बाइक को तुम पालन करते हैरेसमेंट शिकार क्वारंटाइन सेंटर रेडी हो हमारा सभी स्टाफ को कितने बजे आने के लिए बोलो 9 बजे যেন লোক ভিড় দিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা কম হ্যাঁ অ্যাওয়ারনেস কম সে কম আমরা তো এই জায়গাতে সহযোগিতা করতে পারি এটাই আমার ওনার কাছে আমি যে ভ্যালিডার দেরি দেরি দিচ্ছি এখানে আমার সাথে এসডিএম এবং সিএমও সাহেব দুজনই ছিলেন তো কালকে যে আমাদের ট্রেনটা 1100 যা আমি ইনফরমেশন পেলাম 1100 প্যাসেঞ্জার্স আসছে দে আর কামিং ফ্রম ব্যাঙ্গালোর সো ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ভালোই রেখেছে ওরা কীভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করতে হবে সেই হিসাবে আরপিএফের থেকে বা ট্রেন কর্তৃপক্ষের থেকে একটা মার্কিং সিস্টেম হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে ওরা কীভাবে টেস্টিংটা করবে সিদ্ধিয়াশ্রম স্কুলে গিয়ে সেটা মানে র্যান্ডামলি ওরা করবে আফটার এভরি ফিফথ পার্সন উইল বি টেস্টেড অ্যান্ড দে উইল অ্যারাইভ এট সিদ্ধিয়াশ্রম স্কুল ওইখান থেকে ওদেরকে জাস্ট টেস্ট করে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হবে তো এটাই সার্বিক পরিস্থিতি বেশ ভালো যা ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে আপনি কি মনে হচ্ছে টেস্ট করে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে লাভ কি হবে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে লাভ কি হবে একটু তো ওরা সোসাইটির সাথে থাকলো বা বাড়িঘরের লোকের সাথেও থাকলো এতদিন পরে না ছড়ানোটা নিশ্চয়ই আমাদের এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যে জিনিসটা ছড়াবে না কিন্তু এত দূর থেকে ওরা আসছে কোয়ারেন্টাইনে বেশি দিন রেখে দেওয়াটাও ঠিক না ওদের হাতের মধ্যে মার্কিং করে ওদেরকে বাড়ির মধ্যে ছাড়া হবে 12 तारीख को जो बैंगलोर से ट्रेन स्टार्ट हुआ है वो बैंगलोर से जो ट्रेन स्टार्ट हुआ है
तो वो 13 तारीख, इसका मतलब कल सुबह 10 या 10:30 या 11 के आसपास में आने का चांस है। तो इसी हिसाब से हमने सारा प्रिपरेशन कर लिया है, स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है कि कितने लोगों को हमें स्क्रीन करना है, 100% होम क्वारंटाइन करना है, कितने लोगों का सैंपल लेना है, उसका सारा हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। इस हिसाब से सभी लोगों का डेटा कैप्चर करना है, उस हिसाब से भी हमने पूरा अरेंजमेंट किया है। तो और सिक्योरिटी का भी यहाँ पे पुलिस, GRP और ट्रैफिक, उनकी तरफ से पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। तो हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे कि जो भी बैंगलोर से हमारे यहाँ के जो लोग आ रहे हैं, मेनली स्टूडेंट्स या बाहर में काम करने वाले स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स हैं, उनका हम पूरे अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे और सभी का प्रॉपरली थर्मल स्क्रीनिंग होगा, डेटा एंट्री होगा और सिलेक्टेड लोगों का रैंडम बेसिस पे सैंपल होगा जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से। तो इसमें से अगर कोई सिम्टोमेटिक मिलता है तो उसको हम इमीजिएटली आइसोलेट करेंगे और टेस्टिंग के बाद जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उस हिसाब से उनके लिए ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटीज़ है उस हिसाब से अरेंजमेंट हो जाएगा। कितने लोग आ रहे हैं अभी? अभी एस्टिमेटेड है कि इसमें 24 कोचेस है और 1200 के आसपास इसमें पैसेंजर्स हैं। तो कल आने के बाद हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सर गाने का आएगा क्या, रुकेगा कोई जगह पे? नहीं नहीं, ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इसमें, तो ये डायरेक्टली अगरतला रेलवे स्टेशन पे ही आएगा। कितने स्टॉल बनाए आप लोगों ने यहाँ पर? यहाँ पे हम लोगों ने 4 हेल्प डेस्क बनाए और शुरू में हम 2 जो कोचेस है उसको ओपन करेंगे, उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम 4 या 6 कोचेस ओपन कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं शुरू में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से हम सभी पैसेंजर्स को स्क्रीन करेंगे और जो प्रोसीजर है उस हिसाब के हम उनको भेजेंगे। सर त्रिपुरा से कोई जाएगा वापस जाना चाहता? नहीं, उसके बाद उसके बारे में अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, रेलवे से भी अभी तक कोई खबर नहीं मिला कि जो जाने वाले पैसेंजर्स है उसके बारे में क्या किया जाएगा, वो रेलवे मिनिस्ट्री से ही आपको खबर मिलेगा। सर कितने क्वारंटाइन सेंटर हैं यहाँ पे? हमने इनिशियली 11 क्वारंटाइन सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। फिलहाल तो सभी 1100 क्वारंटाइन सेंटर्स का इमीजिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सपोज़ अगर बैक टू बैक अगर ट्रेन्स आती है तो उस हिसाब से हमने सारा अरेंजमेंट करके रखा है। अभी फिलहाल हमने 2 या 3 ही क्वारंटाइन सेंटर्स यूज़ करेंगे, तो अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो 11 भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो कैसे होगा? टेस्ट जो करेंगे आप लोग उसको कैसे होगा? वो रैंडम सैम्पलिंग होगा, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो सब थ्रोट स्वैब जो लेते हैं या नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं उस हिसाब से। सारी होम क्वारंटाइन में चला जाएगा? 100% होम क्वारंटाइन होगा इसमें, और इसके बाद जो 14 दिन का होम क्वारंटाइन है उसका प्रॉपरली मॉनिटरिंग भी होगा। अगर उसके बाद में किसी का सिम्टम्स आता है तो जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, बट इसमें 100% होम क्वारंटाइन होगा। ठीक है। ধরেন স্যার যদি ওয়েট করে তাহলে কোন টাইম লাগেগা।